नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्रेरियन BHU। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने BHU MSC AG 2018 के पेपर का हमने सॉल्व किया था, तो उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा जो एग्ज़ाम है का पेपर है, ये 2018 का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि टेम्परेचर पूछा है होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 65 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है आयरन इन मिल्क में, मतलब कि जो आयरन होता है उसकी मिल्क में क्या पोजीशन होती है, रिच, बैलेंस्ड, पुअर और एब्सेंट। एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कुछ लोग इसको पुअर लगा के आए हैं और कुछ लोग इसको एब्सेंट लगा के आए हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पुअर माना जाएगा। मतलब टोटली भी हम ये भी नहीं बोल सकते कि होता ही नहीं है, होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में आयरन में मिल्क होता है, सॉरी मिल्क में आयरन होता है। फिर पूछा है आयोडीन इज यूज्ड मिल्क फॉर डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन, फॉर मतलब कि आयोडीन टेस्ट किया जाता है मिल्क में किसके लिए, किसको पता करने के लिए किया जाता है, तो स्टार्च को पता करने के लिए किया जाता है। फिर अगला पूछा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है वो सीमन को हार्वेस्ट किया जाता है या सीमन को कंजर्व करके उस जो किया जाता है उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो गाय का दूध होता है उसका पीलापन, येलोइस जो होता है वो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है, ये भी कैरोटीन प्रोटीन होता है। फिर यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो एक्सटेंशन के शुरू हो जाते हैं, एक्सटेंशन के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इसमें पूछा है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा गया है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कौन सा था, तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है वो है NREGP। इसका N का मतलब है नेशनल, R का रूरल, E का एम्प्लॉयमेंट, G का गारंटी और P का है प्रोग्राम। ठीक है, कहीं कहीं इसको कहीं कहीं इसको मनरेगा भी बोलते हैं। इसको MNREGA ये भी इसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इंडिविजुअल हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन ऑफ एनी काइंड फ्रॉम विथिन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक्चुअली ये एंटरप्रेन्योर के अंदर ही आता है। अगर इसमें विथिन दी ऑर्गेनाइजेशन पूछा है मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर, तो उसका जो राइट आंसर जाएगा वो एंटरप्रेन्योर जाएगा। और विथिन दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछा होता तो फिर एंटरप्रेन्योर चला जाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है एंटरप्रेन्योर। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द थ्री फेसेस, एक्सप्रेशन, इंटरप्रिटेशन और क्या होती है, आखिरी वाली जो तीन फेज होती हैं कम्युनिकेशन की वो होता है रेस्पॉन्स। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। फिर अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वार्नोल्ड अ लीडर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। एक जो साइंटिस्ट है वार्नोल्ड साहब, इनके अकॉर्डिंग लीडर की क्वालिटीज़ या फंक्शन को बताया गया है। तो जैसे इसमें पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ मीन्स, और थर्ड है कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंटी ऑफ एक्शन। तो ये तीनों ही सही हैं, इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है द रीइंफोर्समेंट ऑफ एन इनोवेशन डिसीजन मेकिंग अकर एट, मतलब कि ये अलग अलग इनोवेशन की एक स्टेज होती हैं, इनोवेशन डिसीजन मेकिंग की स्टेज होती हैं। तो ये चार स्टेज, पांच स्टेज होती हैं। तो इसमें पूछा है कि जो रीइंफोर्समेंट होता है इनोवेशन का डिसीजन मेकिंग, कौन सी स्टेज पर होता है, तो कन्फर्मेशन स्टेज पर यह होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका इनोवेशन हैव अ साइलेंट फीचर एसोसिएटेड विद देम इट इज़, मतलब कि इनोवेटर्स जो होते हैं उनके कुछ साइलेंट फीचर होते हैं, किसके साथ एसोसिएट होते हैं, तो वेंचर, इसका जो राइट आंसर है वो वेंचर सम होगा। और अडेप्टर कैटेगरी का पूछा है अगला क्वेश्चन, किस पे बेस्ड होती हैं, तो ये इनोवेटिवनेस के ऊपर बेस्ड होता है अडेप्टर कैटेगरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मर कैन बिकम अ एंटरप्रेन्योर बाई, कोई भी एक किसान जो है कि एक एंटरप्रेन्योर या उद्योगी बन सकता है, तो कौन सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको माना जा सकता है, तो अडॉप्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, बाय कंसिडरिंग हिज फार्म एज अ बिजनेस ऑपरेशन,
लर्निंग न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, सीखना तो होगा नहीं, डेवलपिंग अ न्यू प्रैक्टिस, इसका राइट आंसर जाएगा सेकंड वाला, बाय कंसीडरिंग अ फार्म एज बिजनेस ऑपरेशन। नेक्स्ट है अ सोशल प्रोसेस थ्रू कल्चरल डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सोसाइटी, अ डिसअपीयर एंड डेवलप अ कॉमन कल्चर इज कॉल्ड, मतलब कि दो से अधिक सोसाइटी जिन दोनों का कल्चर, कुछ संस्कृति जो है कि वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगे और कॉमन कोई एक नया कल्चर बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और जो अकोमोडेशन होता है उसका मतलब होता है एडजस्ट करना। जो अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन सी मेथड में आता है कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल क्या प्रोसेस है, तो इसका राइट आंसर है बोथ, वर्बल नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि डैश एन आइडिया प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट दैट इज परसीव्ड एज अ न्यू बाय एन इंडिविजुअल और अदर यूनिट ऑफ अडॉप्शन। ठीक है, ओवरऑल एक नए आइडिया की बात कर रहे हैं, एक नए कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस या आइडिया की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये इसका इनोवेशन ही इसका आंसर होगा। फिर अगला है द पर्सन हु लीव द वेंचर्स एज सून एज वेंचर इज क्रिएट, मतलब कि कोई भी पर्सन जो वेंचर है, कोई एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्रिएट करके उसको छोड़ दे, तो सिंपल सा है इसका, आप लोग समझ रहे होंगे, तो मोबाइल एंटरप्रेन्योर इसका आंसर होगा। फिर अगला पूछा है इसमें द अनकंसोलिडेटेड डेब्रीज ओवरलाइंग इज अ हार्ड अनवेदर्ड बेदरॉक इज कॉल्ड, अब यहाँ से सोयल साइंस के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। तो यहाँ पे ये पूछा है अनकंसोलिडेटेड डेब्रीज ओवरलाइंग द हार्ड एंड अनवेदर्ड बेदरॉक, इसका राइट आंसर है रेगोलिथ, इसको याद करना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अगला वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है सोयल साइंस के, तो ये पूछा है कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सोयल क्लासिफिकेशन इज पॉपुलरली नोन एज, क्या बोलते हैं, तो सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन इसको बोलते हैं और आपको इसको याद रखना है। और अगला पूछा है द हाइएस्ट कैटेगरी ऑफ सोयल नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड, हाइएस्ट कैटेगरी पूछा है तो ऑर्डर होगा, अगर इसमें लोएस्ट कैटेगरी की बात करता, लोएस्ट की बात करता तो ये हो जाती सीरीज, लेकिन यहाँ इसने बात करी है हाईएस्ट कैटेगरी की, तो ये आंसर होगा ऑर्डर। और अगला पूछा है बिच टाइप, बिच सोयल टाइप कवर द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, मतलब कौन सी सोयल है या मृदा है जो सबसे ज़्यादा एरिया, तो इसका आंसर जो जाएगा मैक्सिमम एरिया इंडिया में है एल्यूवियल सोयल का। और अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्ले मिनरल इज डोमिनेंटली प्रेजेंट इन बर्टी सोयल में, तो बर्टी सोयल की बात कर रहे हैं मोंटमोरी लाइन बर्टी सोयल, तो ये स्मेक्टाइट ग्रुप का होता है, इसका आंसर स्मेक्टाइट आएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल वन टाइप क्ले मिनरल, 1:1 क्ले मिनरल केओलिनाइट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पूछा जाता है एसेंशियलिटी क्राइटेरिया फॉर न्यूट्रिएंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चनों में एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसका आंसर अननोल और स्टाउट होगा, जिन्होंने एसेंशियलिटी क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट का दिया था। लग्जरी कंजप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट किसके द्वारा दिया जाता है, तो पोटेशियम द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्गल सिम्बायोट एजोल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो ये आपका एनाबीना होगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें एनाबीना ही करेगा। तो नेक्स्ट है अपना भिंडी येलो वेन क्लियरिंग डिसीज ट्रांसमिटेड, मतलब यहाँ से अपना जो है वो एंटामोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों याद रखना BHU में सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को BHU एग्ज़ाम में एंटोमोलॉजी वाला पार्ट सबसे ज़्यादा टफ लगता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पेपर करना होगा। हालांकि एक थिंकिंग है सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 50% टफ होता है एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन और 50% ईजी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है भिंडी येलो वेन क्लियरिंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाई, किसके द्वारा ट्रांसमिटेड किए हो जा होती है, तो ये होती है आपकी बेमशिया टवाकी, जिसको हम वाइट फ्लाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंस बेबिंग ऑफ राइस ग्रेन इन स्टोरेज रिजल्ट, डेंस बेबिंग किसका सिम्टम है जो स्टोरेज में होता है, तो राइस मौत का है। फिर अगला क्वेश्चन है बी वैक्स, जो कि बी वैक्स में क्या कंटेंट होता है, उसमें होता है आपका मेरली सिल पाल्मिनेट, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट है एपी कैनिया मेलोनो ल्यूका,
जो एक्टोपेरासाइट है इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके इफेक्टिव है अगेंस्ट, तो सुगर कैन पायरेला। और अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच मेथड ऑफ प्लांटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया कैन बी एकोमोडेट। तो इसका आपका राइट आंसर है हेक्सागोनल, और यहाँ से अपना हॉर्टिकल्चर शुरू हो जाता है, जो कि हम अगले नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो पिछली वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और ये वीडियो सारे एग्रीकल्चर दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।